हेलो फ्रेंड्स, आज मैं नागपुर डिवीजन के अंतर्गत कंडक्ट हुए जेई सी एन डब्ल्यू के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत नागपुर डिवीजन में कंडक्ट कराए गए थे, जो कि अगर एग्ज़ाम डेट की बात करें तो यह हाल ही में 24 सितंबर 2022 को यह पेपर हुआ था, जिसमें कैंडिडेट को 2 घंटे के समय दिए गए थे और टोटल प्रश्न की संख्या 110 निर्धारित थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए मैक्सिमम मार्क्स 100 रखे गए थे। इस परीक्षा की मुख्य बातें ये है कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं दिया गया था, यानी कोई नेगेटिव मार्किंग अब गलत करने पर नहीं कटते आपका। आगे चलिए देखते हैं कि इस परीक्षा के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो पूछा गया था, व्हाट डज स्टेंसिल ऑफ एयर ब्रेक नियर द कोच नंबर ऑन एक्सटीरियर पैनल इंडिकेट्स, यानी बाहरी पैनल में कोच नंबर के पास AB का लिखा क्या दर्शाता है। तो यह दर्शाता है कोच फिटेड विथ बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिलेंडर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज WSP, यानी WSP का क्या मतलब है। तो यहाँ पर WSP का मतलब व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज LSD, यानी LSD क्या है। तो LSD का फुल फॉर्म है लोड सेंसिंग डिवाइस, यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। वहीं अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, द एक्सपेंडेड नेम ऑफ PEAV, यानी PEAV का से क्या अभिप्राय है। तो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बाल इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, जो कि PEAV का फुल फॉर्म है, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बल्ब। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो फुल फॉर्म ऑफ नेम ऑफ ACP पूछा गया है, यानी ACP का पूर्ण रूप क्या है। तो अलार्म चेन पुलिंग इसका पूर्ण रूप हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट IOH ऑफ मेल एक्सप्रेस ICF कोचिंग स्टॉक, यानी ICF मेल या एक्सप्रेस कोचिंग स्टॉक के IOH के विषय में कौन सा निम्नलिखित कथन सत्य है। तो यहाँ पर यह कथन सही है कि जब भी IOH के लिए आता है तो उसका नेट ट्रॉली उसमें इंस्टॉलमेंट किए जाते हैं IOH के दौरान, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा कि ट्रॉली बीइंग सेंड टू वर्कशॉप्स फॉर ओवरहेड, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एज पर रेलवे बोर्ड गाइडलाइंस हाउ मच मेंटेनेंस टाइम शुड बी गिवेन टू अ 24 कोच लेंथ ट्रेन ड्यूरिंग प्राइमरी मेंटेनेंस, यानी रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार प्राइमरी मेंटेनेंस के दौरान 24 कोचों की ट्रेन के रख रखाव के लिए कितना समय देना चाहिए। तो यह रेलवे बोर्ड की अगर गाइडलाइंस की बात करें तो 24 कोचों के लिए टोटल 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ POH फॉर न्यूली बिल्ट बॉक्स एंड बैगन, यानी नवनिर्मित बॉक्स एंड बैगन का पहला POH कितनी अवधि के बाद होता है। तो चूंकि यहाँ पर हमारा नए बक्से बैगन का POH पूछा गया है तो ये 6 वर्ष के अंतराल पर किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, कोच होल्डिंग ऑफ अ कोचिंग डिपोट इज जनरली रिफर्ड टू, यानी कोचिंग डिपो की कोच होल्डिंग से सामान्य अभिप्राय होता है। तो यह होता है प्राइमरी प्लस 50% सेकेंडरी कोचेज, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो IOH पीरियोडिसिटी ऑफ ICF कोचेज, यानी ICF कोचेज का PIOH किस अंतराल पर होता है, तो यह 9 वर्ष के अंतराल पर किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, जो कि ICF कोच के नॉर्मल या टाइम पीरियड निर्धारित किए गए हैं। बाकी अगर बात करें न्यूली अगर कोई कोचेज होता है ICF का, उसका IOH 12 मंथ के अंतराल पर कंडक्ट कराए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय सीसी रैक, यानी सीसी रैक से आप क्या समझते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होगा क्लोज सर्किट रैक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें कि सीसी रैक से किस में या गुड्स ट्रेन के जो हमारा एग्जामिनेशन होता है उसमें BPC देने के लिए सीसी रैक्स का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारा इसका वैलिडिटी की बात करें तो 30+5 डेज की इसकी वैलिडिटी होती है BPC की। वहीं अगर सीसी रैक की एग्जामिनेशंस की बात करें तो इसमें 100 मैन पर आवर्स की एग्जामिनेशंस की ज़रूरत पड़ती है इसके एग्जामिनेशन करने के लिए। और इसके अलावा बात करें तो इसमें येल्लो BPC कलर्स इशू किए जाते हैं एग्जामिनेशंस के बाद, यानी इस ये सब मेरा एडिशनल जानकारी है जिसकी आप याद रखें हमेशा, क्योंकि इससे ही बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर फ्लैट प्लेसेस इन एन ICF कोच, यानी ICF कोच में फ्लैट प्लेसेस की अधिकतम सीमा डैश है, तो यह इसका सही उत्तर ICF के केस में 50 mm हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, जो कि ICF कोच में फ्लैट टायर की मैक्सिमम लिमिट होती है। वहीं अगर बात करें गुड्स के लिए तो गुड्स के लिए यह फ्लैट टायर की लिमिट 60 mm तक मैक्सिमम होती है गुड्स के केस में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हेन इज ट्रांजिशन कपलिंग या बेबी कपलिंग यूज्ड, एंड ट्रांजिशन कपलिंग या बेबी कपलिंग का कब प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहां पर हमारा डी हो जाएगा, यानी फोर कनेक्ट CVC एंड स्क्रू कपलिंग के लिए हमारा ट्रांजिशन कपलिंग या बेबी कपलिंग का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहां पर हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्राफ्ट गियर, एंड ड्राफ्ट गियर का उद्देश्य क्या होता है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा टू ट्रांसमिट ट्रैक्टिव फोर्स विदाउट शॉक्स, यानी जो हमारा बैगन्स के बीच जो फोर्स लगते हैं ट्रैक्टिव फोर्स, उसको बिना झटके से ट्रांसमिट करना ड्राफ्ट गियर का काम होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ बफिंग गियर, यानी बफिंग गियर का क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है टू वर्क एज कसंस टू स्मूथन द शॉक्स ड्यूरिंग इंपैक्ट्स बिटवीन व्हीकल्स, यानी जो भी हमारा झटके लगते हैं व्हीकल्स यानी बैगन्सों के बीच या कोचों के बीच, उसको झटके को सहने के लिए हमारा बफिंग गियर्स का प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाउ मेनी एंगल कॉक्स आर प्रोवाइडेड इन अ व्हीकल्स इन ट्विन पाइप सिस्टम, यानी ट्विन पाइप सिंगल सिस्टम की व्हीकल्स में कितने एंगल कॉक प्रयोग किए जाते हैं, चूंकि ट्विन पाइप सिस्टम में प्रत्येक एंड पर कोच या बैगन्स में दो एक FP और एक BP का एंगल कॉक लगे होते हैं, इस प्रकार टोटल संख्या हमारा 4 होता है दोनों मिलाकर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कंट्रोल रिजर्वायर इन एयर ब्रेक सिस्टम कंट्रोल्स, यानी एयर ब्रेक सिस्टम में कंट्रोल रिजर्वायर डैश को कंट्रोल करता है, तो यह ब्रेक सिस्टम को कंट्रोल करता है, यानी जब भी हमारा ब्रेक पाइप पे जब भी हम प्रेशर रिड्यूस करते हैं तो यह हमारा CR कंट्रोल रिजर्वायर सेंस करता है और हमारा ब्रेक अप्लाई करता है, जिस दौरान हमारा AR ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर भेजते हैं, यानी इस प्रकार हमारा कंट्रोल रिजर्वायर ब्रेक सिस्टम को कंट्रोल करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है
ऑक्सिलरी रिजर्वायर इज असिस्टिंग इन, यानी ऑक्सिलरी रिजर्वायर डैश में सहायता प्रदान करता है। तो यह जब भी हमारा ब्रेक अप्लाई होता है उस दौरान ब्रेक सिलेंडर को यह प्रेशर भेजता है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एयर होज कैन बी कनेक्टेड टू, एयर होज डैश के साथ जुड़ा होता है। तो यह बीपी और एफपी एंगल कॉक कटअप एंगल कॉक के साथ कनेक्ट होते हैं और दोनों एंड पर होते हैं कोच या बैगन्स दोनों में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द ड्राइवर रिड्यूस द बीपी प्रेशर बाय 1.2 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज इट कॉल्ड, यानी किस ब्रेक एप्लीकेशन पर बीपी प्रेशर 1.2 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर गिराया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, चूँकि अगर बात करें कि हमारा एक चार तरह का हमारा एप्लीकेशन होते हैं, एक होता है हमारा मिनिमम सर्विस एप्लीकेशन जिसमें प्रेशर 0.5 से लेकर 0.8 केजी तक का प्रेशर गिराया जाता है। फिर एक आता है हमारा सर्विस एप्लीकेशन जिसमें 0.8 से लेकर 1 केजी का प्रेशर ड्रॉप किया जाता है ब्रेक अप्लाई के लिए। फिर अगला होता है हमारा फुल सर्विस एप्लीकेशन जिस दौरान हमारा प्रेशर 1 से लेकर 1.5 तक का प्रेशर ड्रॉप किया जाता है। फिर एक हमारा होता है इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन जिसमें 1.5 केजी से ऊपर एबव और 3.8 केजी तक का प्रेशर ड्रॉप किया जाता है, जिसको हम इमरजेंसी एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं। चूँकि यहाँ पर हमको 1.2 केजी बोला गया है तो यह हमारा फुल सर्विस एप्लीकेशन में रेंज में आते हैं। तो इस प्रकार हमारा फुल सर्विस एप्लीकेशन इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ SCTR, यानी SCTR का फुल फॉर्म क्या है। तो यह हो जाएगा सिंगल कार्ड टेस्ट रिग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ SAB का क्या कार्य है। तो SAB का कार्य है टू मेंटेन स्लैक बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील ट्रेड, यानी जो हमारा SAB का फंक्शन होता है कि जो हमारे चक्के का ट्रेड होते हैं और जो हमारा ब्रेक ब्लॉक होते हैं वो दोनों के बीच गैप मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है, यानी इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ए डायमेंशंस इज मेजर्ड फ्रॉम, यानी ए डायमेंशन को मापा जाता है। तो यह मापा जाता है कंट्रोल रॉड हेड और बैरल फेस के बीच के डिस्टेंस को मापा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें ए डायमेंशंस कितना कितना होता है, तो यह ऑल कैस्टनर बोगी जो फिटेड होती है उसमें 70+2-0 mm होता है, जबकि एक बवारन के केस में यह 27+2-0 mm ए डायमेंशन रखा जाता है। बाकी सारे जो इसके अलावा कैसना बोगी उसमें 70+2-0 mm रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मच एयर प्रेशर शुड बी ड्रॉप्ड इन ब्रेक वन लास्ट व्हीकल्स फॉर कंटिन्यूटी टेस्ट, यानी कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए ब्रेक वन या आखिरी डिब्बे में से कितना प्रेशर ड्रॉप किया जाता है। तो इसका सही उत्तर 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ड्रॉप किया जाता है, जो कि 5 से घटकर हमारा 3.8 तक मिनिमम लाया जाता है, ताकि यह चेक किया जा सके कि कहीं हमारा यह कंटिन्यूटी सही रूप से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी इस प्रकार हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें द कलर ऑफ ब्रेक पाइप इन ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम, यानी ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम में ब्रेक पाइप का कलर होता है ग्रीन कलर का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट शुड बी द ब्रेक पाइप प्रेशर इन इंजन, इंजन में ब्रेक पाइप प्रेशर कितना होता है। तो चूंकि यहाँ पर इंजन में पूछा गया जहाँ से हमारा प्रेशर बनता है और वह ब्रेक पाइप से रिलेटेड है, तो यह 5 kg प्रेशर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर आपसे FP का पूछा जाता तो यह 6 kg
पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इंजन में एपी का प्रेशर होता, जबकि बीपी का प्रेशर 5 kg का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विच डिवाइस हैज बीन फिटेड ऑन बीएलसी वैगन्स टू फंक्शन इन लीव ऑफ ईएलबी, यानी एम्प्टी लोड बॉक्स जो के स्थान पर बीएलसी वैगन में कौन सी डिवाइस लगाई जाती है? तो यह है ऑटोमेटिक लोड सेंसिंग डिवाइस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, जिसका काम होता है कि जब भी वैगन एम्प्टी में हो तो एम्प्टी के अनुसार 2.2 प्लस माइनस 0.25 का प्रेस केजी का प्रेशर हमारा ब्रेक सिलेंडर को भेजे, जब वो गाड़ी लोडेड में हो तो 3.8 केजी प्लस माइनस 0.1 केजी का प्रेशर या ब्रेक सिलेंडर को भेजता है। जब एम्प्टी होती है तो उस दौरान जो 2.2 प्लस माइनस 0.25 का जो प्रेशर होता है, चूँकि यह डीबी से पूरे 3.8 केजी का प्रेशर आता है, जबकि यह अतिरिक्त प्रेशर को हमारा एपीएम में लगे हमारा अतिरिक्त प्रेशर को या भेज देता है। यानी इस प्रकार हमारा सही उत्तर ऑटोमेटिक लोड सेंसिंग डिवाइस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द ऑपरेशनल स्पीड ऑफ बीएलसी वैगन्स रेक, यानी बीएलसी वैगन रेक की ऑपरेशनल स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वन मोलिकुलर यूनिट ऑफ बीएलसी रेक कंप्राइजेज हाउ मच कार बी वैगन्स, यानी बी बीएलसी रेक के एक मॉड्यूलर यूनिट में कितने बी वैगन्स लगे होते हैं? चूँकि एक यूनिट में टोटल 5 कार लगे होते हैं, जिसमें दोनों यूनिट पर हमारा ए कार लगे होते हैं, बीच में 3 बी कार्स का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार टोटल संख्या हमारा बी कार्स की 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हेन रिक्वायर्ड टू डिटैच वन डैमेज वैगन्स फ्रॉम द बीएलसी रेक हाउ मेनी वैगन्स आर रिक्वायर्ड टू बी डिटैच इन द टोटल, जब बीएलसी रेक में एक वैगन में डैमेज होता है तो कुल कितने वैगन्स को डिटैच करने की आवश्यकता पड़ती है? तो इसमें टोटल 5 की संख्या में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। बीच ऑफ द नेक्स्ट प्रश्न है, बीच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ डिस्क ब्रेक सिस्टम, यानी डिस्क ब्रेक सिस्टम से क्या लाभ है? तो इसमें है कि हमारा हायर स्पीड पोटेंशियल ऑफ द बोगी मिलता है, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शंस ओवर द व्हील स्पीड रेंज, और एक है रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हील टर्निंग, यानी ऑल ऑफ एबव यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैनिपुलेटर, यानी मैनिपुलेटर का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका सही उत्तर होगा फॉर डाउन हेड बेंडिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सल बॉक्स टॉप एंड एक्सल बॉक्स क्रान बोल्ट इज कॉल्ड, यानी एक्सल बॉक्स टॉप तथा एक्सल बॉक्स जो हमारा बोल्ट के बीच दूरी को क्या कहते हैं? तो ये हमारा क्लियरेंस ए के रूप में जाने जाता है, जो कि ICF कोच में यह प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 13 टन्स एक्सल लोड बोगीज आर यूज्ड इन, यानी 13 टन लोड बोगी टेस्ट कोच में प्रयुक्त किए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा नॉन AC कोच, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। जबकि अगर बात करें AC कोच की, तो AC कोच में 16.25 टन का AC कोच के लिए प्रयोग किया जाता है एक्सल लोड वाले बोगी का। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेटरल मूवमेंट्स ऑफ व्हील्स आर कंट्रोल्ड बाय, यानी व्हील के लेटरल मूवमेंट्स डैश के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर एक्सल गाइड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ ब्रेक ब्लॉक्स आर यूज्ड इन कोचिंग स्टॉक, यानी कोचिंग स्टॉक में कौन सा ब्रेक ब्लॉक लगाया जाता है? तो इसमें ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है।
नेक्स्ट प्रश्न है, विथ विच कंपोनेंट ऑफ द ट्रॉली द लैटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल गाइड्स ऑफ आईसीए बोगी आर माउंटेड, यानी आईसीए बोगी के लैटरल तथा लॉन्गिट्यूडनल गाइड ट्रॉली के किस पुर्जे के साथ लगे होते हैं? तो इसका सही उत्तर डैशबोर्ड के साथ लगे होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग बफर गियर्स असेंबलीज एब्जॉर्ब्स द बफर इंपैक्ट्स, यानी बफर गियर्स असेंबली का कौन सा हिस्सा बफर आघात को ग्रहण या ऑब्जर्व करता है? तो इसका सही उत्तर हमारा बफर स्प्रिंग हो जाएगा, जो कि हमारे बफर के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द ट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ द लोको टू द इंडिविजुअल वैगन्स इज ट्रांसमिटेड विथ द हेल्प ऑफ, यानी लोको का ट्रैक्टिव इफेक्ट वैगन्स के किस भाग या हिस्से के द्वारा प्रेषित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ड्रॉ गियर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लो चार्जिंग ऑफ बीपी प्रेशर, यानी बीपी प्रेशर की धीमी चार्जिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेवार है? तो इसमें लीकेज इन बीपी लाइन फॉर कंप्लीट ट्रेंड मोर देन 2.02 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ये भी जिम्मेवार है। सेकेंड है डट या मॉइजर इन ईयर सप्लाई रस्टिंग रिजल्टिंग इन ब्लॉकेज ऑफ वेरियस चॉक्स और पैसेज ऑफ डीवी, ये भी जब मॉइजर आ जाते हैं तो सारे जो चॉक्स वगैरह है वो ब्लॉकेज हो जाते हैं, ये भी इसका जिम्मेवार है धीमी चार्जिंग का। तीसरा ये भी जिम्मेवारी है कि इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ईयर थ्रू कंप्रेसर, यानी जो प्रॉपर मात्रा में अगर प्रेशर नहीं बना पा रहा हो लोगों को, ये भी इसका मुख्य कारण हो सकता है, यानी ऑल ऑफ एबव इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एयर सस्पेंशन इन कंपैरिजन विथ कन्वेंशनल सस्पेंशन सिस्टम, एंड निम्न में से एयर सस्पेंशन के कन्वेंशनल की तुलना में क्या लाभ है? तो इसमें है कि हमारा इंक्रीज लाइफ स्पैन ऑफ व्हील बढ़ चुका है, बेटर राइडिंग कंफर्ट मिलता है। थर्ड है मेंटेनिंग फ्लोर हाइट ऑफ कोच, जब भी हमारा लोडेड कंडीशन में ज़्यादा अगर वेट आ जाता है उसको भी मेंटेन करता है, खाली होने पर भी उसका अब हाइट को मेंटेन करता है ऑटोमेटिक रूप से, यानी ऑल ऑफ एबव इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट प्रश्न है, द टेस्ट टू चेक डैट द ब्रेक्स डू नॉट अप्लाई बाई डिड्यूसिंग द प्रेशर एट द रेट ऑफ 0.3 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 60 सेकेंड्स, यानी वह टेस्ट जिसमें बीपी प्रेशर को 60 सेकेंड में 0.3 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर की रेट से कम किया जाता है उसको किस नाम से जानते हैं? चूँकि यहाँ पर बोला गया है कि जब 0.3 केजी का प्रेशर 60 सेकेंड तक गिरा जाता है और भी ब्रेक अप्लाई नहीं होता है तो उसको हम इनसेंसिविटी टेस्ट के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरमीडिएट पीस इज यूज्ड एट विच लोकेशन ऑफ ईयर ब्रेक सिस्टम, यानी ईयर ब्रेक सिस्टम में इंटरमीडिएट पीस किस जगह पर लगाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बिटवीन डीवी एंड कॉमन पाइप ब्रैकेट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द रीजंस फॉर द एफपी प्रेशर रशिंग टू बीपी पाइपलाइंस, यानी एफपी का बीपी लाइन में जाने का क्या कारण हो सकता है एफपी प्रेशर का? तो इसमें हो सकता है कि हमारा डीबी डिफेक्टिव हो और एफपी का प्रेशर हमारा बीपी लाइन में चले जाए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, यानी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व डिफेक्टिव। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आइसोलेटिंग कॉक्स व्हेन इट्स हैंडल इन वर्टिकल पोजीशन, यानी आइसोलेटिंग कॉक की पोजीशन क्या होती है जब इसके हैंडल वर्टिकल पोजीशन में होता है, यानी यह ओपन पोजीशन में होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, व्हेन इज एम्प्टी लोड बॉक्स डिवाइस पुट इन लोडेड कंडीशन, यानी एम्प्टी लोड बॉक्स डिवाइस को लोडेड स्थिति में कब रखा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा व्हेन द वैगन्स इज फिल्ड मोर देन हाल्फ, यानी जब भी वैगन्स को आधे से ज़्यादा अगर भरा जाता है उस कंडीशन में हमारा एम्प्टी लोड डिवाइस को लोडेड कंडीशन में रखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द साइज ऑफ पीईवी चॉक्स, यानी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बाल्ब जो चॉक होता है उसका चॉक का साइज 8 mm का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट डज रेड हैंडल रेड नीडल्स ऑफ ईयर फ्लो इंडिकेटर पॉइंट्स आउट, यानी ईयर फ्लो इंडिकेटर की लाल सुई क्या दर्शाती है। तो यह दर्शाता है करेंट लीकेज इन द सिस्टम ड्यूरिंग रन, यानी जो उस समय वर्तमान में करेंट लीकेज चल रहा हो उसको यह ड्यूरिंग चलने के दौरान यह शो करता है, रेड नीडल ईयर फ्लो इंडिकेटर्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ मच लीकेज इज अलाउड इन गुड्स लोड एज पर AFI, यानी ईयर फ्लो इंडिकेटर्स के अनुसार गुड्स लोड में कितनी लोडेड लीकेज अनुमेय है। तो यह है इक्वल द लास्ट टू द हाफ नंबर ऑफ वैगन्स, यानी जो वैगन्स हो गए उसके हाफ नंबर्स के बराबर AFI अलाउबल होते हैं गुड्स लोड में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है एट विच रेट द रिडक्शन ऑफ बीपी प्रेशर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द सेंसिटिविटी टेस्ट, यहाँ पर टेंस सेंसिटिविटी टेस्ट के दौरान बीपी प्रेशर कितना कम किया जाता है वो पूछा गया है। तो यह किया जाता है 0.6 kg/cm² इन 6 सेकेंड, जिसमें डीबी सेंस करना चाहिए और ब्रेक अप्लाई होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट शुड बी द मैक्सिमम प्रेशर ड्रॉप इन बीपी बेन द अलार्म चैन इज पुटेड फ्रॉम अ कोच, यानी अलार्म चैन खींचने के समय बीपी प्रेशर में अधिकतम गिरावट कितनी होती है। तो यह होता है 0.8 kg/cm², यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है ड्यूरिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट व्हाट कंडीशन शुड बी फुलफिलेड टू डिक्लेयर अ डीवी ओके, यानी क्या कंडीशन फुलफिल होना चाहिए जिससे हम यह डीवी को फुलफिलेड डिक्लेयर कर सके कि यह सही रूप से काम कर रहा है। यानी इनसेंसिटिविटी टेस्ट के दौरान डीवी को ठीक रूप से घोषित करने के लिए किन परिस्थितियों को होना जरूरी है। तो इसमें है कि 0.3 kg/cm² का प्रेशर 60 सेकेंड तक गिराते हैं अगर, तो इसमें ब्रेक अप्लाई नहीं होनी चाहिए। इस यह कंडीशन हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, यानी एट द रिडक्शन ऑफ बीपी प्रेशर 0.3 kg/60 सेकेंड ब्रेक शुड नॉट अप्लाई, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, जिससे हम कह सकते हैं कि डीबी हमारा पूर्ण रूप से वर्क कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक्स ओवर कन्वेंशनल कास्ट आयरन ब्रेक ब्लॉक्स, यानी कन्वेंशनल ब्रेक ब्लॉक की कास्ट आयरन ब्रेक ब्लॉक की तुलना में क्या लाभ है। तो इसमें पहला लाभ है कि यह रिड्यूस्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस ड्यू टू यूनिफॉर्म कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस, सेकेंड है यहाँ पर लॉन्गर लाइफ ड्यू टू रिड्यूस्ड बियर ऑफ कंपोजिशंस ब्रेक ब्लॉक्स, एंड थर्ड है रिड्यूस्ड नॉइज ड्यूरिंग ब्रेकिंग्स, यानी यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द अदर नेम ऑफ पायलट वाल्व इज, यानी पायलट वाल्व का दूसरा नाम क्या है। तो पायलट वाल्व का दूसरा नाम है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच RDSO पैम्पलेट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस ऑफ एयर ब्रेक इक्विपमेंट ऑन पैसेंजर कोच, यानी पैसेंजर कोचेज में एयर ब्रेक इक्विपमेंट के रख रखाव के विषय में निर्देशों के लिए RDSO का कौन सा पैम्पलेट प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सी
8805 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, जिसमें बताया गया है कि एयर ब्रेक इक्विपमेंट जो पैसेंजर कोच में उसके मेंटेनेंस से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीपी प्रेशर इन वर्किंग ट्रेन इज, यानी वर्किंग ट्रेन में बीपी प्रेशर डैश केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है, तो यहाँ पर बोला गया है बीपी प्रेशर का वर्किंग ट्रेन में तो यह 5 ± 0.1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ड्यूरिंग चार्जिंग पोजिशन एयर प्रेशर इन ऑक्सिलरी रिजर्वायर इज, यानी चार्जिंग स्थिति में ऑक्सिलरी रिजर्वायर में एयर प्रेशर होता है, तो यह होता है 6.0 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ड्यूरिंग फुल सर्विस एप्लीकेशन ब्रेक पाइप प्रेशर इज ड्रॉप्ड, यानी फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक कितने तक गिराया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक, यानी ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द इनरूट ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ मेल ट्रेन शुड बी, यानी मेल ट्रेनों में रास्ते में ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होता है, तो यह होता है 90%, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है एट ओरिजिनेटिंग स्टेशंस द ब्रेक पावर्स परसेंटेज फॉर मेल और एक्सप्रेस ट्रेन शुड बी, यानी शुरुआती स्टेशन पर मेल या एक्सप्रेस ट्रेन में ब्रेक पावर प्रतिशत डैश होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर होगा 100%, जो कि ओरिजिनेटिंग स्टेशंस पर होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कट अप एंगल कॉक्स कैन बी फिटेड टू, यानी कट अप एंगल कॉक को डैश के साथ पता फिट किया जाता है, तो यहां पर बीपी और एपी बोथ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द चोक डायमीटर ऑफ गार्ड्स इमरजेंसी ब्रेक वाल्व, यानी गार्ड इमरजेंसी ब्रेक वाल्व में चोक डायमीटर कितना होता है, तो यह होता है 8 mm का, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कंट्रोल रिजर्वायर इन ब्रेक सिस्टम्स कंट्रोल्स, यानी एयर ब्रेक सिस्टम में कंट्रोल रिजर्वायर डैश को कंट्रोल करता है, तो यह ब्रेक सिस्टम को कंट्रोल करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऑक्सिलरी रिजर्वायर इज असिस्टिंग इन, यानी ऑक्सिलरी रिजर्वायर डैश में सहायता प्रदान करता है, तो यह सेंडिंग एयर टू ब्रेक सिलेंडर, यानी ब्रेक लगने के दौरान ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर भेजता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है एयर होज कैन बी कनेक्टेड टू, एयर होज डैश के साथ कनेक्ट होता है, तो यह बीपी और एपी कटे मेंगल कॉक दोनों के साथ कनेक्ट होता है, और बैगन और कोचेज दोनों में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है द ड्राइवर रिड्यूस द बीपी प्रेशर बाय 1.2 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इट इज इट कॉल्ड, यानी किस ब्रेक एप्लीकेशन पर बीपी प्रेशर 1.2 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर गिर जाता है, तो यह फुल सर्विस एप्लीकेशन होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, जो कि हमारा फुल सर्विस एप्लीकेशन में 1 से लेकर 1.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर ड्रॉप किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है डट कलेक्टर शुड बी क्लीनेड विद इन द, एंड डट कलेक्टर को कब साफ किया जाता है, तो एट द टाइम ऑफ ए शेड्यूल्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है द लास्ट स्टेप ऑफ ब्रेक रिलीजिंग आफ्टर ब्रेक बाइंडिंग इन कन्वेंशनल एयर ब्रेक सिस्टम इज टू, यानी एयर ब्रेक सिस्टम में ब्रेक बाइंडिंग के पश्चात ब्रेक रिलीज का अंतिम स्टेप क्या होता है, चूँकि यहाँ पर कन्वेंशनल ब्रेक सिस्टम में बोला गया है, तो सबसे लास्ट स्टेप होता है ब्रेक बाइंडिंग को रिलीज करने का कि टेक आउट पिन ऑफ पाम एंड, यानी पाम एंड का पिन को लास्ट स्टेप में निकाल दे, जिससे हमारा ब्रेक रिलीज हो जाता है,
यानी जो हमारा व्हील ट्रेड और ब्रेक ब्लॉक के बीच गैप है वो मेंटेन हो जाता है, जिससे हमारा ब्रेक रिलीज हो जाते हैं और बाइंडिंग समस्या समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, इफ देयर इज लीकेज इन द ब्रेक सिलेंडर्स फ्रॉम द फ्रंट कवर ज्वाइंट ड्यूरिंग ब्रेक अप्लीकेशन इट कैन बी ड्यू टू, यानी ब्रेक अप्लीकेशन के दौरान ब्रेक सिलेंडर के फ्रंट कवर ज्वाइंट से लीकेज होने का क्या कारण हो सकता है। तो इसका कारण हो सकता है कि जो हमारा हेक्सागोनल नट है वो इक्वली टाइटन नहीं किया गया हो, यानी एक समान रूप से टाइट न किया हो, जिससे हमारा यहाँ फ्रंट कवर ज्वाइंट से लीकेज हो रहा हो, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इफ द हैंडल ऑफ द कटअप एंगल कॉक रोटेट्स ऑल राउंड एंड डज नॉट स्टॉप एट स्पेसिफिकेशन पोजिशंस द रीजन कैन बी, यानी यदि कटअप एंगल कॉक हैंडल के चारों तरफ घूमता रहे तथा किसी भी पोजिशन पर न रुके तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो इसका कारण हो सकता है जो स्टॉपर लॉक ऑफ कैप ब्रोकन हो गया हो या तो स्टॉपर प्लेट डिफेक्टिव हो, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसएबी, यानी एसएबी का कार्य क्या है। तो एसएबी का कार्य है टू मेंटेन द स्लैक गैप बिटवीन ब्रेक ब्लॉक्स एंड व्हील ट्रेड, यानी ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ए डायमेंशन इज मेजर्ड फ्रॉम, यानी ए डायमेंशन को मापा जाता है फ्रॉम कंट्रोलर हेड और बैरल फेस के बीच के डिस्टेंस को, जो कि हमारा सारे कैस्टनर बोगी के साथ लगे वैगन्स में 70+2-0 mm और वहीं बॉबारिन के केस में यह 27+2-0 mm का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑन अप्लीकेशन ऑफ पुलिंग फोर्स ऑफ 7 kg द अलार्म चैन शुड बी, यानी 7 kg के पुलिंग फोर्स को लगाने पर अलार्म चैन काम नहीं करेगा, यानी नॉट वर्क करेगा, इसके लिए 10 kg का वेट का रिक्वायरमेंट होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, PAV और PESD यानी पैसेंजर अलार्म बल्ब और पैसेंजर अलार्म सिग्नल डिवाइस कैन बी आइसोलेटेड बाय आइसोलेटिंग, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आइसोलेटिंग कॉक फिटेड इन ब्रांच पाइप, यानी जो हमारा ब्रांच पाइप में जो कॉक लगा उसको आइसोलेटिंग करने से यह आइसोलेट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, द लीकेज रेट इन BP और FP इन ईयर ब्रेक सिस्टम इज, यानी ईयर ब्रेक सिस्टम में BP अथवा FP का लीकेज रेट कितना होता है। तो यह होता है 0.25 kg/cm² per minute, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विथ व्हाट प्रेशर ऑफ ईयर ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम वर्क्स, यानी ईयर के किस प्रेशर में ट्विन पाइप सिस्टम कार्य करता है। तो ईयर जो हमारा है वो हमारा FP प्रेशर पर काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, यानी फीड पाइप प्रेशर पर हमारा ऑक्सिलरी रिजर्वायर यानी ईयर वर्क करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंगल पाइप सिस्टम वर्क ऑन, यानी सिंगल पाइप सिस्टम किस प्रेशर से कार्य करता है। तो सिंगल पाइप सिस्टम में हमारा केवल BP प्रेशर पर काम करता है, यानी ब्रेक पाइप प्रेशर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इन बैगन हैंड ब्रेक इज यूज्ड व्हेन, बैगन में हैंड ब्रेक का प्रयोग कब किया जाता है। तो यह स्टैंडिंग इन यार्ड, जब यार्ड में बैगन खड़ा हो उस समय हम हैंड ब्रेक का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द लेंथ ऑफ ईयर हॉज इज, यानी ईयर हॉज की लेंथ टोटल कितनी होती है। तो यह 660+-6 mm होगा, यानी टोटल हमारा 654 से लेकर 666 mm के बीच यह रेंज होता है,
यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द एयर ब्रेक सिस्टम ड्यूरिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट ब्रेक शुड नॉट अप्लाई व्हेन द रेट ऑफ एयर प्रेशर इज ड्रॉप, यानी जो हमारा इनसेंसिटिविटी टेस्ट होता है उस दौरान ब्रेक अप्लाई नहीं होनी चाहिए, उस कंडीशन में हमारा ब्रेक प्रेशर कितना गिराना चाहिए यानी ड्रॉप करना चाहिए, तो यह होगा 0.3 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 60 सेकेंड्स, तब जाकर हमारा यह ब्रेक अप्लाई नहीं होगा। और डी भी हमारा सही, पूर्ण रूप से अगर कार्य करता है तो इसमें ब्रेक अप्लाई नहीं होनी चाहिए, यानी यह हमारा इनसेंसिटिविटी टेस्ट के अंतर्गत आएगा और यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हेन इज द गोल्डन आवर इन ईआरटी, यानी ईआरटी में गोल्डन आवर का समय होता है पहला फर्स्ट आवर, जब यहाँ पर डिलमेंट या एक्सीडेंट वगैरह हो उस समय से पहले एक घंटे का जो समय होता है उसे हम गोल्डन आवर के रूप में जानते हैं ईआरटी के केस में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सीबीसी कपलर आर यूज्ड इन, यानी सीबीसी कपलर डैश में लगे होते हैं तो या एलएचबी डिजाइन वाले कोच में लगे होते हैं जो कि एच टाइप के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द बर्थ कोचिंग कैपेसिटी ऑफ एसी टू टीयर्स एलएचबी कोच, यानी एलएचबी एसी टू टीयर कोच में बर्थ की संख्या टोटल कितनी होती है, या 54 बर्थ होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो बर्थ कैपेसिटी ऑफ एसी थ्री टीयर एलएचबी कोच इज, यानी एलएचबी एसी थ्री टीयर कोच में बर्थ की संख्या टोटल 72 की संख्या में होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाउ मच लेंथ ऑफ एलएचबी कोच हैज बीन इंक्रीज इन कंपैरिजन टू आईसीएफ कोच, यानी आईसीएफ कोच की तुलना में एलएचबी कोच की कितनी लंबाई बढ़ाई गई है, तो अप्रॉक्स 2 मीटर लेंथ बढ़ाया गया है, यानी जो हमारा एलएचबी का कोच है वह 2 मीटर अप्रॉक्स ग्रेटर है आईसीएफ के मुकाबले में लेंथ इसका, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ एलएचबी कोच फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 160 km/h, यानी 160 किलोमीटर पर आवर की गति पर एलएचबी कोच की ब्रेकिंग डिस्टेंस कितनी होती है, तो यह होता है 1200 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, नंबर ऑफ योर डैम्पर्स इन एलएचबी कोच आर, यानी एलएचबी कोच में योर डैम्पर्स टोटल 4 की संख्या में लगे होते हैं, पर बोगी 2 होते हैं, पर कोच 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल 4 की संख्या में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ मेनी लोड साइड बियर्स आर फिटेड इन बीएलसी वैगन्स, यानी बीएलसी वैगन में कितने साइड बियर लगे होते हैं, चूंकि पर ट्रोली पर 2 साइड बियर होते हैं टोटल 4 की संख्या में पर बीएलसी वैगन्स में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा 4 की संख्या में। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द मटेरियल स्पेसिफिकेशन ऑन बीएलसी वैगन ट्रॉली, यानी बीएलसी वैगन ट्रॉली में किस धातु की बनी होती है, तो यह हो जाएगा कास्ट स्टील का बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ मेनी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यानी ATL लॉक्स यूज इन बीएलसी वैगन, यानी बीएलसी वैगन में कितने ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक लगे होते हैं, तो एक बीएलसी वैगन में टोटल ट्विस्ट लॉक की संख्या 8 की संख्या में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ रोलर बियरिंग इज यूज्ड इन बीएलसी वैगन, यानी बीएलसी वैगन में किस प्रकार के रोलर बियरिंग प्रयोग किए जाते हैं, तो यह टेपर्ड 2 रो कार्टिज रोलर बियरिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द लोडिंग कैपेसिटी ऑफ कंटेनर्स इन बीएलसी वैगन, यानी बीएलसी वैगन में कंटेनर की लोडिंग कैपेसिटी होती है 2 20 फीट का और 1 40 फीट के कंटेनर का लेंथ
हाइट होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेम ऑफ द टाइप ऑफ कपलिंग यूज इन बीएलसी वैगन, यानी बीएलसी वैगन में किस प्रकार की कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। तो चूंकि यहाँ पर बीएलसी वैगन में टोटल हमारा 5 कार होते हैं, जिसमें दोनों एंड पर हमारा ए कार होता है, बीच में हमारा 3 बी कार्स का यूज किया जाता है। यही बात करें ए कार्स में हमारा CVC लगे होते हैं दोनों एंड पर, जबकि बी कार्स के बीच हमारा SLD यानी स्लैक लेस ड्रो बार का प्रयोग किया जाता है। CVC का हाइट 105 mm होता है, जबकि SLD का हाइट हमारा 845 mm फ्रॉम रेल लेवल से होता है। इस प्रकार हमारा दो टाइप CVC और एक स्लैक लेस ड्रो बार यानी SLD का प्रयोग किया जाता है BLC वैगन्स में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द इंटरवल ऑफ शेड्यूल ए एग्जामिनेशंस ऑन अ कोच, यानी एक कोच की अनुसूची एक परीक्षा का अंतराल क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 month + -3 days, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द इंटरवल ऑफ शेड्यूल बी एग्जामिनेशन ऑन अ कोच, यानी एक कोच की अनुसूची बी परीक्षा कब कराया जाता है। तो यह होगा 3 month + -7 days के अंतराल पर शेड्यूल बी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाउ मेनी शॉक ऑब्जर्वर्स आर यूज इन LHB कोच, LHB कोच में कितने शॉक ऑब्जर्वर्स का प्रयोग किया जाता है। तो टोटल 18 की संख्या में पर कोच यूज किया जाता है। वहीं बात करें कितनी कितनी संख्या में, तो पहले पर ट्रॉली की बात करें तो पर ट्रॉली में हमारा 4 प्राइमरी डैम्पर लगे होते हैं, 2 सेकेंडरी डैम्पर्स, 2 EO डैम्पर्स और एक हमारा होता है लेटरल डैम्पर्स, जो लेटरल मूवमेंट्स को बना जो हमारा उसको स्टेट बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ इस प्रकार टोटल हमारा पर ट्रॉली 9 की संख्या में होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि पर कोच में 2 ट्रॉली प्रयोग किए जाते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर आप 18 की संख्या में पाएंगे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। यानी टोटल हमारा पर कोच शॉक ऑब्जर्वर्स की संख्या 18 की संख्या में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट लोकेशंस ऑफ द UST पार्टिकुलर्स आर स्टैम्पेड, यानी UST विवरण किस स्थान पर मुहर लगी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा एक्सल आर पर इसका मुहर स्टैंपिंग की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ ICF कोचिज, यानी ICF कोच के नए व्हील्स का व्यास 915 mm होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। वही अगर कंडम की बात करें तो यह 825 mm पर कंडम किए जाते हैं ICF कोच के व्हील्स को। नेक्स्ट प्रश्न है, द मैक्सिमम एयर प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग एप्लीकेशन इज, यानी एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक सिलेंडर में हवा का अधिकतम दबाव होता है, यह होता है हमारा 3.8 + -0.1 kg का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में मैक्सिमम प्रेशर जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आवर बॉडी ऑफ LHB कोच, यानी LHB कोच के बॉडी की अधिकतम लंबाई क्या होती है। तो इसका सही उत्तर होगा 23,540 mm होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द सेट आउट टाइम ऑफ ARME फ्रॉम सिंगल एग्जिस्ट, यानी ARME का एक तरफ सिंगल एग्जिस्ट निकलने का सेट आउट समय कितना होता है। तो सिंगल एग्जिस्ट में यह 20 मिनट का टाइम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। वहीं अगर बात करें डबल एग्जिट में, डबल एग्जिट में यह 15 मिनट का टाइम होता है। नेक्स्ट प्रश्न, 10 प्रश्न पूछा गया है राज ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा से। पहला प्रश्न है, प्रेमचंद पुरस्कार योजना रेलवे बोर्ड के आधार पर रेल कर्मचारियों को प्रथम पुरस्कार के स्वरूप कितनी राशि दी जाती है। तो प्रथम राशि, टोटल इसमें 3 राशि प्रयोग किए जाते हैं हमारा, 3 टाइप्स के, इसमें पहले स्थान वाले को 20,000 दिए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। सेकेंड स्थान वाले को 10,000
और थर्ड स्थान वाले को 7,000 की राशि दी जाती है पुरस्कार स्वरूप। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथिली चरण शरण गुप्त जो हमारा पुरस्कार योजना रेलवे बोर्ड के अनुसार आधार पर रेल कर्मचारियों को दिया जाता है, इसमें प्रथम पुरस्कार राशि 20,000 इसके अंतर्गत भी रखा गया है। वहीं सेकेंड पुरस्कार में 10,000 और थर्ड पुरस्कार के अंतर्गत 7,000 की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, जो कि प्रथम पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के आधार पर रेल कर्मचारियों को दिए जाने वाला लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार का संबंध किससे है? तो यह है तकनीकी रेल विषय पर मौलिक लेखन हेतु दिया जाता है। यानी टेक्निकल सब्जेक्ट पर जो हमारा मौलिक विषय मौलिक लेखन होगा ओरिजिनल राइटिंग, उस पर दिया जाएगा लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत निजी प्रतिनिधियों से हिंदी निदेशालय डिप्लोमा पास करने पर परिचालन कर्मचारी यानी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी होते हैं उसको लमसम अवार्ड यानी एक मुश्त पुरस्कार दिया जाता है, वह दिया जाता है 1,500 रुपये। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने पर इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार कितनी स्वरूप राशि दी जाती है? तो इसमें टोटल 20,000 की राशि दी जाती है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीफोन निदेशकों को हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित करने की अनिवार्यता डैश राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी पखवाड़ा डैश से डैश तक मनाया जाता है? तो यह ऑप्शन नंबर ए 14 से 28 सितंबर के बीच मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में रबर की मोहरों डैश रूप में तैयार की जाती है? तो यह बाइलिंगुअल रूप में यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों रूप में बनाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, यानी बाइलिंगुअल यानी द्विभाषी रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम डैश की धारा 4 के अनुरूप दिल्ली क्षेत्र के सभी रेल कर्मचारियों के विरुद्ध की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई हिंदी में की जानी चाहिए? तो यहाँ पर हमारा 1963 राजभाषा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत कोई भी अगर रेल कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है वह हिंदी में की जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा की प्रसार वृद्धि करना, उसका विकास करना, उसकी समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद डैश में दिया गया है? तो अनुच्छेद 351 में दिया गया है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके पास भी कोई ऐसा पेपर हो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सके। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली बार जब वीडियो अपलोड करें इस तरह से तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।